हेलो एंड नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार वर्मा आज आप लोग को फ्रैक्शन पढ़ाने वाला हूं। आशा है कि आपको ये समझ में आएगा। चलिए देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भिन्न। इसका डेफिनेशन है कि इट शोज अ पोर्शन और अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर और एनी ऑब्जेक्ट, या एक किसी भी होल नंबर का पार्ट को दर्शाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट के पार्ट को भी दर्शाता है। एग्जाम्पल में हम देखें तो फ्रैक्शन पहले समझ लेते क्या है। फ्रैक्शन को हम लोग लिखते हैं, फ्रैक्शन को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसको हम लोग बोलेंगे अंश और इसको बोलते हैं हर। यह है अंश और यह है हर। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसमें अंश और हर होगा वो सब फ्रैक्शन कहलाएगा। जितना भी नंबर है जिसमें अंश हो और हर हो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देखिए कि 3/5, ये देखिए ये न्यूमरेटर इसका और ये इसका डिनोमिनेटर, ये 5/3, ये देखिए ये है न्यूमरेटर इसका और ये है डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मीन्स भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न कितना प्रकार का होता है? तो हम लोग भिन्न अभी चार प्रकार का पढ़ते हैं, चार ही प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहला प्रकार है जिसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन इसको हिंदी में अगर बोले तो बोलते हैं इकाई भिन्न, या फिर बोल सकते हैं इकाई अंश। दूसरा है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न। और तीसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखिए यही है, प्रॉपर को जरा सा इम्प्रॉपर किया है, आईएम लगाया है, तो इसको बोलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न। और चौथा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब मैं आप लोग को एक एक करके ये डील करता हूँ कि यूनिट फ्रैक्शन किसको कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं पहले यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए यूनिट फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है कि यूनिट फ्रैक्शन, अ यूनिट फ्रैक्शन इज एनी फ्रैक्शन विच वन एज इट्स न्यूमरेटर एंड अ होल नंबर फॉर इट्स डिनोमिनेटर। ये क्या कह रहा है? इंग्लिश में तो बहुत लनफन समझ में ही नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हिंदी में क्या बोल रहा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन होगा जिसका न्यूमरेटर हमेशा वन होगा। क्या होगा? वन होगा। और डिनोमिनेटर इसका कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है लेकिन न्यूमरेटर हमेशा वन ही होगा। तो वैसा फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। फिर से समझ लीजिए, न्यूमरेटर वन होगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। न्यूमरेटर वन होगा, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जांपल में देखें तो लिख सकते हैं 1/5, 1/6, 1/-1/10, 1/60। देखिए यहाँ सबका न्यूमरेटर क्या है? 1, 1, 1, 1। तो ये जितना भी किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अगर 1 रहता है तो उसको हम लोग यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। आगे देखिए
देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कहता है इन दिस फ्रैक्शन इट्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। कहता है कि ये ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होता है। इसको हम लोग अगर आसानी भाषा में जानेंगे तो इसको हम लोग लिख सकेंगे कि न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा। न्यूमरेटर क्या होगा, छोटा होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा। अगर ऐसा फ्रैक्शन दिखता है तो ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको शॉर्टकट में याद करने के लिए ऐसा बताएं तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल देखिए 3/5। देखिए न्यूमरेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर क्या है 5। 5 से 3 छोटा है। आगे देखिए 4/8, 2/9, -5/6, 8/20। ये सब जितना भी दिख रहा है ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हम आपको अगला फ्रैक्शन बताते हैं जिसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए देखिए तीसरा जो फ्रैक्शन है उसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न। ये कैसा होता है तो इसको बोलते हैं इन दिस फ्रैक्शन इट्स डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन इट्स न्यूमरेटर। इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर से छोटा होगा। अगर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो उसको कहेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए इसको शॉर्टकट में पहले लिख देते हैं कि इसका जो होगा अंश वो क्या होगा, बड़ा होगा। ये क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, हर से। हर छोटा होगा, यहाँ हर छोटा होगा और अंश बड़ा होगा। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल देखिए 5/2, 8/3, 7/4, 9/5, -2/1, 3/-3/2। ये सब देखिए, ये 2 है, ये 5 है, ये बड़ा हो गया। इसमें इसमें भी ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है। यहाँ पर देखिएगा तो सब न्यूमरेटर्स जितना भी है डिनोमिनेटर से बड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है हम लोग को कि इसमें कुछ मिक्सचर होगा, कुछ मिला हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या मिला हुआ है। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीट नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। कहता है कि इसमें मिला क्या है, दो चीज मिला है। एक है पूरा कंप्लीट नंबर होगा और दूसरा क्या होगा, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कंप्लीट नंबर होगा और प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लेकिन ये इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। ये होता है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन जब तोड़ मोड़ के लिखेंगे ना तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल में देखेंगे तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2/3/5। ये देखिए जो 2 है ये क्या है, ये एक कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर, ये एक कंप्लीट नंबर है। और ये जो पार्ट बच गया, ये जो पार्ट बच गया, एकदम अच्छा से देखिए, ये जो पार्ट बच गया इसको हम लोग बोलते थे, ये देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो इसको तो हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलते थे। आप देख सकते हैं इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन ही बोलते थे। तो अच्छा से देखिए इसमें क्या हुआ, ये पूरा मिक्स्ड हुआ तो इसमें क्या बना, कंप्लीट नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर को, कंप्लीट नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के मिक्सचर को क्या बोल दिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।